हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास आम तुमको पाठ जो पढ़ाऊ स्पोकन इंग्लिश उपरे, तो स्पोकन इंग्लिश रे मुझे तुमको दुटा जिनस बहुत इंपोर्टेंट हो जी। गोटे हैला वोकैबुलरी आ गोटे हैला ग्रामर। तो वोकैबुलरी विषय से दिन मुझे तुम सहित कथबार्ता होती किमी तुम वोकैबुलरी को तुम्हें बढ़ेब। तो ये जो रेकर्डिंग क्लासेस गुड़ा से गुड़ा मुझे तुमको कहबी ग्रामर रो अर्थ कौन, कहीं आम साइड बाय साइड जीवा निहाती दरकार, तेब जाकि तुम शीघ्र शीघ्र जापर स्पोकन इंग्लिश विषय ना तुम्हें प्रॉब्लम होते शीघ्र सर भी ना से आम जान लें जे व्हाट इज वोकैबुलरी। नेक्स्ट हूँ ग्रामर। ग्रामर इज वेरी इंपोर्टेंट। सो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर ग्रामर अर्थ है इट इज द स्केलेटन ऑफ ए मिरर। ग्रामर अर्थ है इट इज द स्केलेटन ऑफ ए लैंग्वेज। जेमिति तुम देह शरीर भितर गोटे स्केलेटन अच्छी से भली भावरे जदि स्केलेटन नथिबो ताहले तबे कोन संपूर्ण भावरे कोन हेजिबो गोटे माटी पिंदुला भलिया हेजिबो, से भली भावरे गोटे लैंग्वेज रो तारो निश्चित भावरे ग्रामर रहिबा दरकार। सेथिपई ताकु कहा जाए इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ ए लैंग्वेज, बुझिहला। नेक्स्ट होचि व्हाट इज ग्रामर? आमे जानिगले ग्रामर रो फेर सबुठारु इंपोर्टेंट पार्ट होचि गोटे हैला इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश रो अल्फाबेट्स अच्छे जो केते नंबर अच्छे होची 26 रु भावेल्स हैला 5, कॉन्सोनेंट्स हैला रेस्ट 21 हे गला तुम्हारा 26, बुझिहला। तो से भली भाव आमको देखापी पड़ो भावेल्स जो अच्छी भावेल्स अर्थ कौन कन्सनेंट अर्थ कौन से आम जानवा। ओके सो नेक्स्ट होची व्हाट इज ए भावेल? भावेल होची ए ई आई ओ यू है। जो भावेल है ए आई ओ यू तापरे जो कन्सोनेंट धर जो रही बी सी डी ई भाव रही है। तो जो ए ई आई ओ यू है सेटा को आम फर्स्ट पढ़वा जे ए आई ओ यू ए आई ओ यू जेते बेले तमे जेते बेले कथाबार्ता आमे होउछु सेते बेले आमे कहउछु जे कोनोसी जिनस गोटे साउंड नबो केते बेले फर्स्ट आमर लंग्स रु आसीबो। लंग्स रु आसी कि तापरे जाइके आमे माउथ थ्रु रे आमे सेटा कहि पारु सेटा हला गोटे साउंड रो आकार नै। तमे जेते बेले कहउछु ए ए ए जेते बेले कहउछ सेते बेले देखिबो सीए संपूर्ण भावरे फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस माने सेते कोनोसी ऑब्स्टेकल्स नाही। नॉट देयर हैला। तो धर फ्रिक्शनलेस ऑब्स्टेकल्स नाही ता माने ए जते बेले कहउछि से आराम से बाहरी आउछि हमर मुहरु तापर से ही भली भावरे ई कुह आई कुह ओ यू कुह समस्ते से ही भली भावरे से माने बाहरी आउछन तंगर कोनोसी हेले भी माने कोनोसी ऑब्स्टेकल्स नाही से हिंदी बाहरी आउछन। किंतु जते बेले आमे कन्सोनेंट कहू छे सपोज कन्सोनेंट सेते बेले कहू छे सेते बेले आमे कोन कहू छु कन्सोनेंट हैला कन्सोनेंट रो धर बी सी एगुड़ा जो जिते बड़े कहूचे से सब बड़े देख बी कहार हेल्प नौ भावेल रो हेल्प नौ से साउंड आसूस
साउंड आसुची सी सी रो साउंड मध्य इ साउंड आसुची हैला एफ एफ हैला ए रो साउंड आसुची एफ हैला के के रो हैला सेही भली भाव रे ए साउंड आसुची हैला एम एम रो भी मध्य सेही भली भाव रे आसला ए साउंड हैला तापर ए भली पी पी रो भी मध्य हैला इ रो साउंड हैला ए भली भाव रे आमे जति कि सब देखुचु केही ना एमाने जते कंसोनेंट्स अछंदी से माने संपूर्णले भावेल रो सहाय्य नियंती बिना भावेल रो सहाय्य रे से माने केबे हेले एकुटिया ठिया ही पारिबे नाही बिना सहाय्य कहर भावेल्स रो से माने केबे हेले एकुटिया ठिया ही पारिबे नाही बुझेला एटा हैला बेसिक जिंस जेपरे लैंग्वेज जानिबा पई हेले जे कंसोनेंट कोन आउ भावेल कोन एति के जानिगल नेक्स्ट होची गोटे लैंग्वेज को जानिबा पई हेले मु तुमको कहिली जे गोटे लैंग्वेज को तुम्हें जानिबा पई हेले सेतरे कोन दरकार गोटे हैला पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गोटे हैला फिगर्स ऑफ स्पीच हैला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच रो अर्थ कौन आ फिगर्स ऑफ स्पीच रो अर्थ कौन सपोज गोटे घर टे बनेबा पई आमे फर्स्ट आको कौन करू गोटे घर बनेबा पई घर जते बेले गोटे बिल्डिंग टे आमे सॉरी बिल्डिंग टे जते बेले आमे बनौचे सेते बेले कौन होची से बिल्डिंग रो फाउंडेशन बा बेस आमे तैयारी करूचे फाउंडेशन बा और बेस हैला ए दुटा आमे तैयारी करबा पई बाध्य काहेकि ना ताहरी ऊपर ही बिल्डिंग टा ठिया हबो तो सेईटा हे गला तुमरो गोटे लैंग्वेज पई सेई भली तार बेस होची पार्ट्स ऑफ स्पीच हैला सेटा हैला बेस बुझी हैला घर टे तैयारी हे गला जति कि जहा दरकार इटा बाली सीमेंट सब किछि तैयारी हे गला तो बेस ले कोन हबो बेस ले तुमर कोन कोन दिया जिवो बेस रे दिया जिवो सेथरे कोन दिया जिवो ब्रिक्स दिया जिवो देन तुमर सीमेंट लागिवो तापरे लुहा लागिवो रॉड्स लागिवो हला तो ए एक्सेट्रा बेस टा तैयारी करबा पे तो ए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीए कौन गोटे लैंग्वेज पाई सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको देखिबा पाई पड़िबो कौन कौन सब रही पार्ट्स ऑफ स्पीच रे सो बेसिक जिनस होची पार्ट्स ऑफ स्पीच होची ग्रामर हैला ग्रामर हैला सो फर्स्ट होची नाउन तापरे हैला प्रोनाउन तापरे हैला वर्ब तापरे हैला एडजेक्टिव तापरे हैला एडवर्ब तापरे हैला प्रीपोजिशन तापरे हैला कंजक्शन तापरे हैला इंटरजेक्शन तो ए गुड़ा हैला तुम्हारो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एटा आमे जानी गले ए गुड़ा हैला हमारो बेस हैला आमे घर तैयारी कला बेले बेस दरकार तो जते बेले लैंग्वेज आगो सिखिबा आमे एटा हे गला पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच रो अर्थ कोन फिगर्स ऑफ स्पीच रो अर्थ हैला ओडिया रे कहा जाय ताकू अलंकार हैला
तो फिगर सर्स भी घर तैयारी हो गला घर तैयारी हो सर तापर ताकू आम कौन करवा सजेबा तो ताकू केमी सजेबा सुंदर सुंदर कलर करिकिरी विभिन्न प्रकार रंग देकिरी तापरे फर्नीचर्स द्वारा देकिरी तापरे बनेबा आमर सुंदर घरटी। तो फिगर सर्स स्पीच होची सेई भली भावरे माने गोटे लैंग्वेज को ताकू अलंकार देकिरी सजेबा बुझीला। तो फिगर्स ऑफ स्पीच रे जमती रही सिमिली तो मुझे जाने तुम कैसे जाच तापरे मेटाफर अलंकार एगुड़ा सब अलंकार कहा जाए ला पर्सनिफिकेशन एक्सेट्रा है एगुड़ा है तार अलंकार गोटे लैंग्वेज पाई एगुड़ा निहाती दरकार बुझीगले। तो एतिक बाट पर्यंत तुम्हें बुझीपार तो गोटे घर तैयारी हेला बेले तो तार बेस तैयारी हेला बेस सहित ताकु सजेबापी कौन कौन दरकार तो से भली भाव रे गोटे लैंग्वेज को मध्य जानवापी हेले फर्स्ट होची तार पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकेंड हेला तार फिगर्स ऑफ स्पीच तेबे जाकि से लैंग्वेज टी बहुत सुंदर हुए नहले से भाषा टी कुआडे लोप पाई जाए एमती बहुत गुड़े भाषा अच्छी जो मैंने कि लोप पाई एतकी बाट बुझीपारल मु भावु तुम्हें बुझीपारी थला। नेक्स्ट है सबुठार इम्पोर्टेन्ट है आमर फर्स्ट आम पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आज मुझे खाली टिके खाली कहीदी नेक्स्ट क्लास मुझे कह पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट है नाउन। ओके नाउन कह कहीं समस्ते आग नाउन कहते सपोज गोटे कंपानी अच्छी। ओके समस्ते ठीक भाव भाव शुण गोटे कंपानी अच्छी से कंपानी रे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अच्छी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अच्छी। ओके तो कौन सी रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट तापरे होची तापरे रॉ मटेरियल तापरे हैला तुम्हारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तापरे एक्सेट्रा हैला ए भली भाव रे गोटे कंपनी रे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रही से भली भाव रे आमर नाउन रे सॉरी ए जो कंपनी रे सेठ ताकर सब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रही किंतु कहिबाकु गले अर्थ होची जे समस्तंको भितरे तांकर जणे केही गुटे डिपार्टमेंट रो केही जणे गुटे बॉस थिबे 100% से बॉस टी किए आमर ए ग्रामर रे आमर सबुठरु इम्पोर्टेंट होची जणे बॉस से बॉस टी होची नाउन हला बहुत इम्पोर्टेंट न नाउन जते बेले अच्छी नाउन होची से कौन करे तमे जानी थी नाउन रो अर्थ कौन नाउन जदि अच्छी भर्ब अच्छी नाउन जदि अच्छी एडजेक्टिव अच्छी नाउन जदि अच्छी आर्टिकल्स अच्छी नाउन जदि अच्छी प्रीपोजिशंस अच्छी हैला जहाँ किछि कोरे सबो किछि नाउन पाई हुए सेति पई ताको कहा जाए से बस बुझिपारल नाउन होची पूरा एंटायर पार्ट्स ऑफ स्पीच रो से होची बॉस बुझीपारल। सो व्हाट इज ए नाउन फर्स्ट होची आमे व्हाट इज ए नाउन नाउन तुम जानिच कि नाउन रो अर्थ होची नेम ऑफ एनीथिंग नेम ऑफ एनीथिंग हैला तुम्हें समझ सेटा स्थान बड़ू जानी जानी आसीच तो सब जहाँ किछि देखुच जहाँ तुम्हें टांजेबुल हो इनटांजेबुल टांजेबुल माने छुई देले जोड़ा धर माने माने जो जिनसटा को तुम्हें फील करी पारुच सेटा होची इनटांजेबुल जोटा तुम्हें देखी पारुच सेटा होची टांजेबुल हैला। सो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग जहाँ किछि नौच तुम्हें जानिच समस्ते सब समस्ते जानिचंती नेम ऑफ एनीथिंग पर्सन्स प्लेसेस सब कथा समस्ते कहते पर्सन्स प्लेसेस जहाँ किसी है सबू है नाउन किंतु मुझे बहुत शॉर्टेस्ट
फॉर्मूला देबी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन होची एनी ने नाउन होची एनी ने जे कौन सी जिंस हैला तमर बाड़ी गच्छ पत्र लता जागा कहार ना सबु किछि सबु थरे जीव तुमर नाउन जीव बुझि पाला। नेक्स्ट होची तमर कि नाउन होची गोटे एनी नेम, एनी नेम तुम जान लो लव लव यू कैन ओनली फील इट देखि पारिबो न किंतु जेहेतु सेटा ना सेति पई ता कहूची सी भी नाउन रे जीव हैला। तापरे हैला धर करेज, करेज हैला कौन एटा होची गोटे माने होची क्वालिटीज ऑफ नाउन एटा गोटे प्रकार क्वालिटीज जणक पाखरे क्वालिटीज थिबो एई गुडा भी मध्य नाउन रे जीवो हैला। तो जो जिनसटा तुम्हें देखी पार जो जिनसटा तुम्हें देखी पारुन से गुडा भी मध्य सब गुड़िक नाउन रे ही जीवो बुझ पारला। तो एई गुडा होची तुम्हार नाउन रो डेफिनेशन किंतु सबोठारु इम्पोर्टेंट हैला जे फंक्शंस ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन एटा को आमे केमिति जानिबा दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट हैला। एटा मु आज बजो आज एतिक मु रखुची। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे फंक्शंस ऑफ नाउन ताकु आमे देखिबा ओके बुझिला। तो एक था आज नेक्स्ट क्लास रे फंक्शंस ऑफ नाउन आमे जानिबा।